सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच ये आई है कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार बनने पर बीजेपी से अच्छी सरकार देने का वादा कर दिया है। ये एक बड़ी खबर आपको बता दें जो अखिलेश यादव ने स्टेटमेंट दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि महागठबंधन देश को नया पीएम देना चाहता है। हालांकि मायावती अपनी महत्वाकांक्षा पहले ही जाहिर कर चुकी हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई बड़ा फर्क नहीं है। कांग्रेस सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती है। बीजेपी ने कांग्रेस से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करना भी सीखा होगा। ये भी आरोप अखिलेश यादव ने लगा दिया। अखिलेश ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री बनने का उनका कोई सपना ही नहीं है, लेकिन इतना जरूर वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की भूमिका पीएम बनाने की हो। आप इशारा समझ गए होंगे। मुलायम सिंह यादव पीएम की रेस में है या नहीं, इस सवाल पर अखिलेश ने कहा कि नेताजी को सम्मान मिलेगा तो अच्छी बात है, लेकिन नेताजी पीएम की रेस में नहीं है। ये बात भी स्पष्ट कर दी अखिलेश यादव ने। मुलायम सिंह जी ने कहा कि ये उनका आखिरी इलेक्शन होगा, इसके लिए क्या आप उन्हें आप चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री बने? नेताजी क्योंकि ये इलेक्शन मैनपुरी में लड़ रहे हैं और उन्होंने हालांकि कहा है ऐसा, लेकिन उन्हें कोई सम्मान मिलेगा तो अच्छी बात है, लेकिन वो शायद प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है। कहा जाता है कि जो गठबंधन है उसे बी टीम ऑफ द कांग्रेस आपके बारे में कहा जाता है, तो आप मानेंगे इसको? मैं तो केवल इतना कहूंगा आपके से कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है।